2019 के वर्ल्ड कप को सिर्फ 6 महीने बचे हैं और इंडियन टीम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो आइए जानते हैं इंडियन टीम के टॉप 5 बैट्समैन के बारे में, कि टॉप 5 वो कौन से बैट्समैन होंगे जो कि इंडियन टीम में वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो आता है ओपनर शिखर धवन का। तो आइए जानते हैं मुरलीधर से कि शिखर धवन के क्या चांसेस है वर्ल्ड कप खेलने के, और अगर वो वर्ल्ड कप खेलते हैं तो इंग्लैंड की कंडीशंस में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। शिखर धवन टीम इंडिया को ओपनर के रूप में अभी जगह बना ली उन्होंने, और स्थायी रूप से वो लगभग उनका तय तो है कि 2019 वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे वो। लेकिन उनकी फॉर्म आपने देखी होगी, आती जाती रही है, कभी दो कभी चार मैच नहीं खेलते हैं वो और फिर शतक मार देते हैं, तो उनकी जी फॉर्म एक चिंता का विषय तो है। लेकिन उनका जो ओपनर की जगह है वो शिखर धवन के लिए जी वो हमेशा से एक कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कुछ सीरीज में वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बट उनकी कंसिस्टेंसी एक बड़ा सवाल रहा है। अब बात करते हैं शिखर धवन के साथी के बारे में जो कि उनके साथ ओपन करने आते हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम इतने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, 3 डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। तो उनके बारे में जानते हैं रोहित कि रोहित शर्मा क्या वर्ल्ड कप में अच्छा कर पाएंगे। रोहित शर्मा जो उन्होंने 100 लगाए, दो तीन तो अच्छे बैट्समैन है। लेकिन और अब देखना होगा कि वो शिखर धवन के साथ क्या कॉम्बिनेशन बिठाते हैं और टीम को क्या योगदान देते हैं, क्योंकि अगर उनकी ओपनिंग जोड़ी चल गई तो वो टीम को अच्छा स्कोर खड़ा करने के जी लिए बिल्कुल उसमें आसानी होती है। और जो निचले नीचे 5-6 नंबर पर बैट्समैन आते हैं, उनके बाद जो आते हैं, तो उनको क्या होती है कि आसानी होती है, उनको जी कॉन्फिडेंस आ जाता बिल्कुल है कि बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन, अगर टीम शुरुआत अच्छी हो जाती है तो उनको आखिरी में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी जी जी पड़ती और बिल्कुल वो एक लय बनी रहती है हाँ टीम। बिल्कुल जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीम को मैच जीतना है तो स्टार्ट बहुत अच्छा मिलना चाहिए, और स्टार्ट की जिम्मेदारी मिलती है ओपनर्स को, तो ओपनर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे से कॉन्फिडेंट रहें और आके अपना नेचुरल गेम खेल सकें। अब बात करते हैं नंबर 3 बल्लेबाज के बारे में जो कि है विराट कोहली। टीम के कप्तान हैं और नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं, और हमेशा से ही उनकी फॉर्म अच्छी रही है, इतने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम। तो विराट कोहली से क्या उम्मीदें हैं इंग्लैंड में। विराट कोहली तो उनकी जगह पक्की है 2019 वर्ल्ड कप में खेलने की, और कप्तान है भारतीय टीम के, तो उनके ऊपर टीम कहीं ना कहीं निर्भर रहती है, पूरी जी टीम उनके बिल्कुल ऊपर, कहीं विदेश में जाते हैं तो उनके जी ऊपर एक बिल्कुल निर्भर सी हो जाती है कि अगर विराट कोहली नहीं चले तो टीम हार तो जाएगी। जी लेकिन अगर 2019 का वर्ल्ड कप भारत को जीतना है तो उसमें पूरी टीम को एकजुट होकर प्रदर्शन करना होगा, और अच्छे प्रदर्शन करना होगा, तभी भारतीय टीम इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन कर जी पाएगी। बिल्कुल जैसा मुरलीधर ने बताया कि यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस से, एक इकलौते खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से टीम 1 या 2 मैच जीत सकती है, लेकिन अगर टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो सभी प्लेयर्स को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं नंबर 4 के बल्लेबाज के बारे में, कि नंबर 4 पे कौन बल्लेबाजी करने आएगा, क्योंकि नंबर 4 के लिए 2 नाम सामने आते हैं, केदार जाधव और अजिंक्य रहाणे के बारे में। हालांकि अजिंक्य रहाणे काफ़ी समय से टीम से बाहर चल रहे हैं, तो केदार जाधव से उम्मीद करी जा सकती है कि वो शायद टीम के पार्ट हों। वो टीम के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो 4 नंबर की जगह आपने बताई है, 4 नंबर की जगह मुझे नहीं लगता कि केदार जाधव वहाँ पर फिट बैठते हैं, क्योंकि वो धोनी के बाद आते हैं और धोनी आते हैं लगभग 5 नंबर पर, तो 4 नंबर की जगह अजिंक्य रहाणे के लिए सही रहेगी, जी और बिल्कुल वो उपकप्तान भी रहे टीम के, तो 4 नंबर जाहिर सी बात है कि अजिंक्य रहाणे को खेलना चाहिए और वहाँ जी पर वो जी अच्छा प्रदर्शन कर सकते जी हैं। क्योंकि अजिंक्य रहाणे के साथ वो अपने साथ इतना सारा एक्सपीरियंस लाते हैं, और इंडिया टीम के एक समय वाइस कैप्टन भी रह चुके थे, तो हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे ही नंबर 4 पे बैटिंग करने आए। लेकिन केदार जाधव के साथ ऐसा है कि वो एक ऑलराउंडर हैं, तो बॉलिंग में उन्होंने काफ़ी समय हेल्प करी जी है, कितने इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाए हैं, तो हो सकता है कि केदार जाधव शायद उनकी जगह लें। लेकिन उम्मीदें हैं कि अजिंक्य रहाणे ही आए शायद टीम में। जरूर। तो अब बात करते हैं नंबर 5 के बल्लेबाज के बारे में जो कि महेंद्र सिंह धोनी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 पे यूजुअली महेंद्र सिंह धोनी ही आते हैं बैटिंग करने। तो महेंद्र सिंह धोनी से क्या उम्मीदें हैं कि वो 2019 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। उनका तो लगभग तय माना जा रहा है, और सभी जैसा कि रोहित शर्मा ने अभी बताया है, कल अपने बयान में बताया भी है कि महेंद्र सिंह धोनी जो टीम का हिस्सा तो होंगे ही, और उनका लेकिन उनकी फॉर्म चिंता का विषय है। लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे तो टीम को एक कहीं ना कहीं अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत होती है, और वो किसी भी ऐसी परिस्थिति, जब टीम मुश्किल परिस्थिति में हो तो उसको बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। तो विराट कोहली के साथ जो कप्तानी का साथ देते हैं जी विराट जी कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, तो वो टीम में जरूर रहेंगे। लेकिन उनके साथ कौन सा एक विकेट कीपर ऐसा जाएगा जो 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में जाएगा? जी एक बैकअप विकेट कीपर जरूर टीम साथ लेके जाएगी। तो बैकअप विकेट कीपर के ऑप्शंस में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक का नाम सामने आता है,
तो हो सकता है कि ऋषभ पंत जाए, पर यहाँ सवाल ये उठता है क्योंकि अभी न्यूजीलैंड से जो और ऑस्ट्रेलिया से जो वनडे सीरीज होने वाली है उसमें ऋषभ पंत को टीम से बाहर निकाल दिया गया है, वनडे टीम से वो बाहर जा चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल होता है कि 2019 के वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक बैकअप विकेट कीपर कौन जाएगा, विकेट ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक, आपको मेरे क्या? ख्याल से ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत ने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बाउंस पिचों पर अच्छा प्रदर्शन किया और एक शतक भी लगाया। तो ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जो वनडे, उनको उनकी एक छवि रही है कि वो T20 खिलाड़ी है और काफी तेज खेलते तेज हैं खेलते हैं, जी। तो उन्हें टेस्ट में खिलाया जाना और वनडे टीम से बाहर किया जाना, ये एक असमंजस ऐसा लगता है कि हाँ, क्या कि कुछ ऋषभ अजीब पंत। सी बात हाँ है कि अगर वो टेस्ट में अच्छा खेल रहे हैं तो वनडे में उन्हें जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के पिचों पे अच्छा खेल के आए जरूर, हैं, तो वनडे में अच्छा खेल बाउंस सकते हैं। पिचों, खासकर बाउंस पिचों पर अच्छे खेल रहे हैं वो, तो अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जाहिर सी बात है, दिनेश कार्तिक और अगर ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत को जगह मिलेगी टीम में। जी बिल्कुल, तो ये हमारी तरफ से तय है कि ऋषभ पंत ही होंगे विकेट कीपिंग के जो बैकअप हैं वो ऋषभ पंत ही होंगे। तो ये थे हमारे टॉप 5 बल्लेबाज, टॉप 5 पोजीशन के बैट्समैन जो कि वर्ल्ड कप के पास जो वर्ल्ड कप में जो है टीम का हिस्सा ज़रूर होंगे। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया 2019 के वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे और वर्ल्ड कप में, हाँ, ये वर्ल्ड कप अपने साथ अपने घर लाए। और ये बैट्समैन पे काफ़ी डिपेंडेंट है क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस ऐसी है जहाँ बॉलर्स तो अच्छा परफॉर्म करेंगे पर बैटिंग पे डिपेंड करता है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतती है या नहीं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यान टीवी।